स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11th प्रोज सेक्शन लेसन 3rd डिस्कवरिंग टूट द सेगा कंटिन्यूज। ए आर विलियम्स की ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इसका एक पार्ट हमने कल शेयर किया था, उसके आगे का हिस्सा इस पार्ट में हम शेयर करेंगे। जिसने पहले हिस्से को न देखा हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक में जा करके पुनः देख सकता है। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं पैसेज की ओर। अमेन हॉट अप 3rd टूट्स फादर आर ग्रैंड फादर। अमेन हॉट अप 3rd टूट का पिता अथवा दादा वाज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। वाज ए पावरफुल फेरो, जो एक शक्तिशाली फेरो था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, जिसने लगभग 4 दशक तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। 18th डायनेस्टीज 18वें राजवंश के सुनहरे युग की बेला पर 4 दशकों तक उसने शासन किया। हिज सन अमेनहॉटेप 4th, उसका पुत्र अमेनहॉटेप 4th सक्सीडेड हिम उत्तराधिकारी के रूप में आया एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और उसने इनिशिएटेड आरंभ किया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में उसने एक आश्चर्यजनक युग का आरंभ किया। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन द सन डिस्क। अटेन द सन डिस्क, अटेन कहते हैं सूर्य के चक्र को। जो नया फेरो हुआ था उसने सूर्य चक्र की पूजा को प्रमोट किया। चेंज्ड हिज नेम टू अखेंटन, उसने अपना नाम बदल लिया, अखेंटन रख लिया। आर सर्वेंट ऑफ अटेन, या अटेन का सेवक। अभी ऊपर बताया मैंने अटेन कहते हैं सन डिस्क को। सन डिस्क का मतलब है सूर्य चक्र। सूर्य चक्र की उपासना करता था, तो उसके सेवक के रूप में उसने अपना नाम अखेंटन रख लिया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबियस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी, और जो धार्मिक राजधानी थी पुराने शहर थीबस में, उसको नए शहर अखेंटन में ले आया। नोन नाउ एज अमरना, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। अखेंटन शहर, जिसको आज अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग अमन अ मेजर गॉड। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री, उसने आगे अपने देश को शॉक्ड किया, अपने देश में घबराहट पैदा कर दी। बाई अटैकिंग अमन अ मेजर गॉड, एक मुख्य देव
अमन पर आक्रमण करके स्मैशिंग हिज इमेजेज, उसकी प्रतिमा को तोड़ डाला, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा ही हॉरिफिक भयानक समय था। सेड बाई रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। लग्जर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर, शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा, द साइट ऑफ एंशियंट थीम्स, जो प्राचीन थीम्स था, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। रे जॉनसन ने कहा कि जो एक परिवार था रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसने शताब्दियों से शासन किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, उसका शासन आज समाप्त होने को है। एंड देन ऑकहेंटन वेंट ए लिटिल वैकी, और फिर ऑकहेंटन थोड़ा वैकी बन गया, सनकी बन गया। आफ्टर ऑकहेंटन्स डेथ, ऑकहेंटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इस्मैन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली ए ट्रेस। आफ्टर ऑकहेंटन्स डेथ, ऑकहेंटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय शासक, नेम्ड इस्मैन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े समय के लिए इस्मैन खकरे प्रकट हुआ, एंड एग्जिस्टेड, और एग्जिस्टेड हो गया, निकल गया, समाप्त हो गया, विथ हार्डली ए ट्रेस, बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए, बिना कोई निशानी छोड़े हुए इस दुनिया से समाप्त हो गया। एंड देन ए वेरी यंग टूट ऑकहेंटन टुक द थ्रोन, और फिर एंड देन ए वेरी यंग, बहुत ही युवा, टूटन खटन टुक द थ्रोन, टूटन खटन ने गंदी संभाली, सिंहासन संभाला, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, जिसको राजा टुट के नाम से संसार में जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, उस लड़के ने जो किंग था, शीघ्र ही उसने अपना नाम बदल लिया, टूटान खमुन, अपना नाम रख लिया टूटान खमुन, लिविंग इमेज ऑफ अमन, जिसका अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमन, अमन की जीवित मूर्ति, अमन की जीवित मूर्ति। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने पुराने ढंग की स्थापना का, पुनर्स्थापना का ओवरसा, निरीक्षण किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर असामयिक, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ द फेम एंड द स्पेक्टिकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसकी
जो फेम थी, ख्याति थी, एंड स्पेक्टिकुलेशन अबाउट हिज फेट, एक्सपेक्टिकुलेशन मैंने अटकलें रिगार्डलेस बिना ध्यान दिए हुए, उसकी ख्याति और उसके भाग्य के बारे में जो अटकलें थी उनकी ओर बिना ध्यान दिए, टूट इज अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य के बारे में बिना ध्यान दिए, टूट इज वन ममी एमंग मैन इन इजिप्ट, टूट मिस्र की कई ममियों में से एक है, हाउ मैनी कितनी ममियों में, नो वन नोज कोई नहीं जानता, द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, कोई नहीं जानता, इजिप्ट की ममी प्रोजेक्ट, मिस्र की ममी प्रोजेक्ट जो 2003 में शुरू हुई हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, जिसने लगभग 600 ममियों की गणना की सो फार एज अब तक, इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और यह गणना अब भी जारी है, निरंतर जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाई द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। द नेक्स्ट फेज, जो अगला फेज था, अगला चरण था, स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सीटी स्कैन, ममियों के परीक्षण करने का सीटी स्कैन के द्वारा, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। सीटी स्कैन के निर्माता हैं सीमेंस और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर के इस मशीन को डोनेट किया था, सीटी मशीन को, जिससे ममी का परीक्षण करना था, दान में दिया था, और इसी मशीन से परीक्षण करना था ममी का। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, राजा टूट की ममी इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, जितनी भी ममियां थी उनमें से पहली थी, कितनी थी मैंने बताया ऊपर आया 600, वाज द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ, मृत्यु के बाद जिसका पर्यावलोकन करना था, 600 ममीज में पहली ममी थी। तो इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, तो इस तरह से हम देखें तो जैसे अपने जीवन में एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड, जैसे अपने जीवन में वो आगे आगे रहा, वैसे इन डेथ मृत्यु में भी राजसी ढंग से वो आगे बढ़ा, यानी उसकी पहली ममी थी जिसका सीटी स्कैन होना था, और सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज इन क्रॉस सेक्शंस। सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी, एक सीटी मशीन ने स्कैन्ड द ममी हेड टू टो, ममी के हेड से लेकर के, यानी सिर से लेकर के पंजे तक का पर्यावलोकन किया सीटी मशीन ने, उस ममी के हेड से लेकर के टो तक का स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज और 1700 डिजिटल चित्र बनाए इन क्रॉस सेक्शन में। टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट जटिल स्ट्रक्चर्स रचना। टूट के शरीर का स्कैन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए,
0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया ताकि उसकी जटिल रचना को बड़ा किया जा सके। टेक एन ईरी डिटेल्स, ताकि जो विचित्र डिटेल्स हैं, अलौकिक परिणाम हैं, वो सब आ जाएं। डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। जो स्कैन किया गया टुट के शरीर का, जो उसके चित्र लिए गए उसकी जांच करने के लिए, विथ टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, सारे शरीर का समान रूप से रिकॉर्ड किया गया था, उसकी जांच करने के लिए एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई इन रेडियोलॉजी, उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट था, फॉरेंसिक के लोग थे, एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट, और शरीर रचना के स्पेशलिस्ट थे जो रहस्यों की जांच पड़ताल कर रहे थे। दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ द ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। विंग्ड माने पंखदार, गॉडेस देवियां। लेखक कह रहा है उस मम्मी के रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी रेडियोलॉजी ने और फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने, शरीर रचना के विशेषज्ञों ने, जिसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसकी रक्षा कर रहे थे। विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड बरियल शेयर प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसकी रक्षा अब तक सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां कर रही थी। सुनहरे उस गोल्डेड ग्लाइडेड टॉम के रक्षा अब तक विंग्ड गॉडेसेस कर रही थी, पंखों वाली देवियां कर रही थी। देखते हैं नेक्स्ट। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्क मैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। द नाइट ऑफ द स्कैन वाली रात वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। वर्कमैन कार्य करने वाले लोग या श्रमिक टूट को एक बॉक्स में उसकी टॉम्ब से उठा कर लाए। लाइक पाल बियरर्स अर्थी उठाने वाले, दे क्लाइम्ड ए रैंप, अर्थी उठाने वालों की तरह वे क्लाइम्ड ए रैंप पर चढ़े, एक ढलान पर चढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर सीढ़ियों पर चढ़े, इनटू द स्वेरलिंग सैंड आउटसाइड, और सीढ़ियों से चढ़कर वे बाहर स्वेरलिंग सैंड उड़ते हुए रेत में आए, आउटसाइड बाहर आए। देन रोज आन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर रोज देन रोज आन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उनको ट्रेलर पर रखा गया। दैट हेल्ड द स्कैनर, जहां स्कैनर भी रखा हुआ था, ट्रेलर पर स्कैनर रखा था, हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा उसको चढ़ाया गया। टू मैन इमर्ज्ड
स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई। 20 मिनट बाद दो आदमी आए एंड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और पास के ऑफिस में गए और प्लास्टिक के दो पंखे लेकर के वापस आए। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट। मिलियन डॉलर का स्कैनर बंद हो गया था। हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि ठंडा करने वाले पंखों में सैंड आ गई थी, रेत भर गया था। कर्स द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने नर्वस होकर के व्यंग किया, मजाक किया। कर्स ऑफ द फेरो, फेरो का शॉप है ये। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश ए प्रोसीड्यूर। इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में। द सब्स्टिट्यूट फैंस, स्थान पर काम करने वाले पंख, वर्कड वेल, उसके स्थान पर पंख ने अच्छी तरह से कार्य किया। टू फिनिश द प्रोसीड्यूर, इस प्रोसीड्यूर को, इस कार्य को पूरा करने में बदले गए पंखों ने अच्छा कार्य किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, ये जांचने के बाद कि कोई भी डेटा खोया नहीं, गुम नहीं हुआ, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन। टेक्नीशियनों ने, शिल्पियों ने टुट को वर्कमैन को पुनः सौंप दिया, श्रमिकों को पुनः सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे से भी कम समय में जब उसे अपने ताबूत से बाहर लाया गया था। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, फेरो पुनः शांति से आराम कर रहा था। वेयर द फनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर दफन करने वाले पुजारियों ने बहुत पहले उसे दफनाया था, लिटाया था, वहीं पर पुनः वो पहुँच गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन द ट्रेलर, ट्रेलर में वापस आकर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट के कई आश्चर्यजनक चित्र देखे। अग्रे हेड टुक सेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड। टेक्नीशियन ने पिक्सेल को बिखेरा, एक ग्रे कलर का हेड प्रकट हुआ, सिर प्रकट हुआ। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड, टेक्नीशियन ने उसको स्पन किया, घुमाया, एंड टिल्टेड, और थोड़ा टिल्ट किया, टेढ़ा किया, कई एंगल पर घुमाया, कई एंगल पर टेढ़ा करके उसको देखा। एट इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में देखा, चारों ओर घुमाया, चारों दिशाओं में घुमा करके, टेढ़ा करके, सीधा करके उसका परीक्षण किया। नेक वर्टिब्री अपीयर्ड एज क्लियरली, वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक, तो नेक वर्टिब्री गर्दन के पास जो कशेरुक का हिस्सा था, अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास,
उतने स्पष्ट प्रकट हो रहा था जैसा शरीर रचना के वर्ग में दिखाई पड़ता है। अदर इमेजेस, दूसरी तस्वीरें, दूसरे चित्र रिवील्ड ए हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। दूसरे चित्रों में हाथ दिखाई पड़ रहा था, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज और रिब केज के पसली के पिंजर के अनेक चित्र प्रकट हो रहे थे। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल का खोपड़ी, स्कल मीन्स खोपड़ी का ट्रांजेक्शन अनुप्रस्थ काट भी दिखाई पड़ रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो तनाव था वो समाप्त हो गया था, ऑफ हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस जाकर बैठ करके जही हवास स्माइल्ड, जही हवास मुस्कुराए। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि कोई गंभीर गड़बड़ नहीं हुई थी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, जही अब्बास ने बताया कि मैंने पिछली रात एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था कि मुझे नींद ही नहीं आई। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाकर जरूर सो सकता हूँ। और अंतिम देखें, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जिस समय हमने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स धातु की बनी हुई सीढ़ियों से उतरे टू द सैंडी ग्राउंड, उस सैंड से बने हुए रेतीले, सैंड माने रेत, रेतीले मैदान में आए। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा बंद हो चुकी थी, जो निकालने के समय हवा बहुत तेज चल रही थी इस समय बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, द विंटर एयर, ये सर्दी की हवा, ले कोल्ड एंड स्टिल, ठंडी और शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मृत्यु स्वयं शांत होती है। इन हिज वैली ऑफ द डिपार्टेड, अरे मृत व्यक्तियों की इस घाटी में हवा भी शांत हो गई थी मृत्यु के समान। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम, टूट के मकबरे के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर स्टूड ओरियन, ओरियन खड़ा था। ओरियन कौन है? द कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जैसा कि इजिप्शियन लोग जानते हैं, इजिप्ट के रहने वाले मिस्र के निवासी जानते हैं कि ये ओसिरिस की आत्मा होती है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये जो अगले जीवन के देवता के रूप में ओसिरिस को मानते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जिस पर निगरानी कर रहे थे, जिस पर वॉचिंग कर रहे थे, द बॉय किंग, उस बालक राजा पर ओसिरिस की आत्मा निगरानी कर रही थी, वही दिखाई पड़ रही थी, ऐसा मानते हैं। तो ये हमारा लेसन आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों को। थैंक्स अ लॉट।